जहां जहां ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है वहां बिल्कुल क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ जी जो पेशवा से संबंधित हैं, पेशवा फैमिली से हैं, जिन पेशवाओं को 1818 में भीमा कोरेगांव में दलितों ने धूल चटाई थी, उस परिवार से आते हैं, पेशवा परिवार से। ये 1818 का बदला 2024 में नहीं लें। जज की जाति होती है, जज का जनेऊ भी होता है, तो जनेऊ जो है पहले चमड़े के ऊपर का जनेऊ दिख जाता था, लेकिन इस तरह का फैसला देकर सुमान्य सर्वोच्च न्यायालय के जिन ब्राह्मण जजों ने यह फैसला लिया है, यह बता दिया कि एक जनेऊ चमड़े के अंदर भी होता है। जो जनेऊ जज हैं उनसे आग्रह है, कृपया इस फैसले को वापस लें, और संसद का काम है कानून बनाना इस देश के लिए, संसद कानून बनाए। संसद कानून बनाएगी, हम देख लेंगे ना अपने नेताओं को, सलट लेंगे हम अपने नेताओं से, लाए तो बीजेपी लाए, कांग्रेस का रुख देखते हैं क्या होगा, समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल का रुख क्या होगा। इस देश का जो 30% आबादी है दलित और आदिवासी का, हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रुख है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे दूर है ना। ये जनता और नेता के बीच का काम है, ये जनता और संसद के बीच का काम है, हम लोगों को आपस में निपटाने दीजिए ना। संसद में कानून आएगा तो हम लोग देख लेंगे ना, इस देश में चुनाव भी होता है, हमारे लिए कानून बनाने का काम संसद का है, तो संसद हम लोगों के लिए कानून बनाएगी ना। ये जनता ने अपने सांसदों को चुनकर भेजा है, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। आप हमारे फटे में आंग क्यों अरा रहे हैं मिलॉर्ड, आप हमें छोड़ दीजिए ना, फिर क्या करें। अगर आप ही हमारे लिए कानून बनाएंगे तो संसद भवन में ताला मार दिया जाए, यही विकल्प बचता है ना, संसद भवन में ताला मार दिया जाए, फिर ये लोकसभा विधानसभा ये चुनाव क्यों, ये तो आम चुनाव भी बंद होना चाहिए, संसद भवन में ताला लग जाए और देश चलाने का हर फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट करे, जनेऊ वाले मिलॉर्ड करेंगे। अभी तो कपड़ा ही आया है, तब इनको जो है दिखने लगा जो है कोटा में कोटा डालो, सिर्फ कपड़ा आया तो ये हालत है। हम इनके सामने तनकर खड़े होने लगे तब इनको दिक्कत होने लगी, समृद्ध हो जाएंगे तो क्या हालत होगी, यही दिक्कत है इनको। इनको पसंद नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहने, इनको नंग धड़ंग दलित आदिवासी चाहिए, पत्ता लपेटा हुआ आदिवासी चाहिए, इस बात से दिक्कत है। इसलिए मोहन भागवत इसका स्वागत कर रहे हैं, और ये तो नरेंद्र मोदी का सपना है जिसे पेशवा चंद्रचूड़ ने पूरा कर दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका जवाब दिया जाएगा। हम संवैधानिक तरीके से आने वाले 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद करेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा जी। ओम सुधा जी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम डिसीजन आया है कि जो SC ST आरक्षण है उनमें क्रीमी लेयर लाया जाए, और जो जातियाँ आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई हैं उनको भी लाभ दिया जाए, इसको लेकर खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ है SC ST जातियों में, आपस में क्या कहना चाहोगे? आपस का क्या मसला है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज की इस बात का समर्थन करता हूं कि जहां जहां जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन है वहां क्रीमी लेयर लाया जाए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सीनियर चंद्रचूड़, उसके बाद उसका बेटा बना है ये अभी जो चंद्रचूड़ जी DY हैं, उसके बाद जो है उनका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ जो है बम्बई हाई कोर्ट में जज है, वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तो क्रीमी लेयर लागू होना ही चाहिए। जैसे कि इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं लगभग 100%, तो वहाँ जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, वहाँ ब्राह्मणों का जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इस देश में 89 सेक्रेटरी होते हैं, उसमें से 95+ जो है वो ब्राह्मण हैं, ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का, तो वहाँ जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जैसे इस देश में जितने भी वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, लगभग सभी ब्राह्मण हैं, वहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए कि ब्राह्मणों के अलावा सबको मौका मिले। जितने भी चैनल हैं न्यूज़ चैनल, उस सारे न्यूज चैनलों के एंकर, मालिक, संपादक लगभग सभी ब्राह्मण हैं, वहाँ भी ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर मैक्सिमम जो है वो उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रोफेसर बने हुए हैं, तो वहाँ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। देश भर में जितने भी मंदिर हैं सबके पुजारी जो है 100% मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टी ब्राह्मण हैं,
वहाँ ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे राम मंदिर न्यास ट्रस्ट है, एक दलित को छोड़कर सब 13-14 में 13 ब्राह्मण हैं, वहाँ ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। हम लोगों को पहले लगता था कि जज मतलब वो ऐसी चीज़ जिसको छूने से करंट लगता है, लेकिन दिलीप मंडल जी को पढ़ने समझने के बाद समझ में आता है कि जज बहुत बड़ी चीज़ कोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन है वो तो हम माननीय हैं, उनका माननीय के तौर पर सम्मान है, लेकिन जब मैं अपने गुरु दिलीप मंडल को सुनता हूं तब मुझे समझ में आता है कि उनके निर्णय की आलोचना करना अटेम्प्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो माननीय जज लोग हैं, अब जो मुझे समझ में आती है, इस तरह का जो एससी एसटी के खिलाफ जो फैसला आया है उससे एक बात तो स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि जज कोई पंच परमेश्वर नहीं होता है, जज एक सामान्य मनुष्य होता है, जज एक ब्राह्मण होता है, जज की एक जाति होती है। तो जज की जाति होती है, तो जज अगर जाति का होगा तो जाति के आधार पर भेदभाव होगा। 7 IIM हैं देश में इंस्टीट्यूट, उसमें एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। इसमें आदिवासियों में भी बाइफर्केशन की बात है सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा तरीन मामले में, और 0 जो है आदिवासी हैं। भाई 0 आदिवासी का सीट कैसे आप जो है वर्गीकरण करेंगे, 00, 0/2 या 0 को बीच से चीर देंगे, बीटा बना देंगे, कैसे 0 को आप भाग देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों से आग्रह करना चाहता हूं, कृपया इस तरह का मनुवादी फैसला लेने से पहले कानून की समझ ठीक ठाक कर लें। आप तो माननीय हैं, हमने तो LLB भी नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर समझ में इतनी बात जरूर समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं है, और जनता से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो संसद को लेने चाहिए। हमने जो है 543 सांसद चुनकर भेजे हैं ना, ये देश कैसे चल रहा है, बांग्लादेश जैसा चल रहा है क्या, पाकिस्तान जैसा चल रहा है क्या, ये देश चल रहा है डेमोक्रेसी से, ये देश चल रहा है संसद से। अब देखिए जनेऊ का जोर है, अब बर्दाश्त कैसे होगा, 20 साल में चीज़ें भी तो बदल गई है, 20 साल में चीज़ें बहुत बदल गई। 20 साल पहले आप ब्राह्मणों के सामने खाट पर भी ठीक से नहीं बैठ सकते थे, 20 साल पहले जो है ब्राह्मणों का छुआछूत का लेवल ज़्यादा था, 20 सालों में चीज़ें बदल गई है। 20 साल पहले मेरे दादा दूसरे का भैंस चराते थे, 20 साल बाद हम रेबैन का चश्मा पहनते हैं, 20 साल बाद हम रेमंड की 10,000 की कमीज पहनते हैं, 20 साल बाद हम हवाई जहाज़ में चलते हैं, मेरे दादा दूसरे का भैंस चराते थे उसी पर बैठ जाते थे, 20 सालों बाद हम हवाई जहाज़ में चलने लगे। इन 20 सालों ने एक लंबा सफ़र तय किया है, और बाबा साहब के संविधान की वजह से काफी चीजें बदल गई है। बाबा साहब के संविधान की वजह से हम जैसे लोगों को मनुष्य होने का दर्जा मिला, हम जैसे लोग जिनको जानवर से भी गया गुजरा समझा जाता था, बाबा साहब के संविधान ने रेस में लाकर खड़ा कर दिया। तो चीजें बदल गई, चीजें बदल गई तो उनको क्यों बर्दाश्त होगा भाई, तो 20 साल बाद तो डिसीजन पलटेंगे ही। सात जजों में से एक तो ऐसी जज है सर, वो गवई जो महाराष्ट्र के हैं, वो तो आपके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन ये खेल कोई नया है क्या, ये खेल तो बहुत पुराना है कि ब्राह्मण जो है अपने कभी ब्राह्मण अपने हाथ से हत्या नहीं करता, ब्राह्मण हमारे लोगों से हमारी हत्या कराएगा, ये ब्राह्मणों की पुरानी चाल है, ये कोई नई चाल नहीं है। ब्राह्मण क्यों अपने हाथ से हत्या करेगा, हमारे लोग हैं ना करने के लिए, हमारे लोगों से हत्या कराएगा, तो हमारे जाति का जज है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जो है स्वागत किया है। अब संघ का तो ये पूरा रवैया ही है, संघ क्यों नहीं स्वागत करे, संघ ने इस देश में 8,000 से ज़्यादा जातियाँ बनाई, और जातियों के आधार पर जो बाइफर्केशन है संघ वो करता है। अभी इस लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की एक सभा में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हम जाति के अंदर जाति वर्गीकरण का पक्ष ले रहे थे, तो ये तो नरेंद्र मोदी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी और RSS का सपना है कि जो है जातियों में वर्गीकरण हो, ये तो मोदी जी का सपना जो है पेशवाओं ने पूरा कर दिया है। लेकिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जो SC ST का जो आरक्षण का जो लाभ सबसे ज़्यादा चमार जाटव खटीक पासवान और ये ST में मीणा ले रहे हैं, यदि वाल्मीकि मोची बुनकर को ये लाभ मिल जाएगा तो आपको दिक्कत क्यों है। ठीक है, बड़ी दिलचस्प बात है कि आरक्षण का लाभ इन जातियों ने ले लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण का लाभ जो है इन्होंने लिया, कितने पासवान का 100 एकड़ जमीन हो गया आरक्षण मिलने के बाद, कोई बताए,
कितने जाटव चमार का चार शहर में अपार्टमेंट हो गया कोई बताए, कितना जाटव चमार और मीणा पीएमओ में सचिव हो गया कोई बताए, आरक्षण का लाभ लेकर कितने मीणा पासवान जाटव चमार ये सारी जातियों के 10-20 वाइस चांसलर हो गए, 10-20 शहरों में कोठियां हो गई, 100-200 एकड़ जमीन हो गया बताए, आरक्षण से लाभ लेकर जातियां बढ़ गई, ये क्या मजाक है, इससे हास्यास्पद क्या होगा। आरक्षण की वजह से हमारे शरीर पर कपड़ा आ गया, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। लेकिन सफाई कर्मी कब तक गटर में मरता रहेगा? क्या आपने चाहते कि उसका बेटा भी डीएम एसपी बने, डिप्टी कलेक्टर बने? सारी लड़ाई इसी बात की है, लेकिन इस बात का कोटे में कोटा से कोई मतलब नहीं है। ये किसने कह दिया कि जो है सफाई कर्मी सबसे अधिक आवाज अगर कोई उठाता है तो हम लोग उठाते हैं कि सफाई कर्मी मारे जाते हैं? आप मेरे वीडियोज उठा कर देख लीजिए। लेकिन जातियों के अंदर टूट, ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है, यह नहीं चलेगा। हमारे समाज के लोगों के सामने भाजपा और संघ का चरित्र धीरे धीरे और स्पष्ट हो रहा है, और आने वाले 21 अगस्त को बता दिया जाएगा यह नहीं चलने वाला है, यह जो जाति के अंदर ये तोड़फोड़ मचाना चाहते हैं। रमेश भंगी जैसे जो लोग हैं वो काफ़ी स्वागत कर रहे हैं इस पूरे डिसीजन का? नहीं, ठीक है, बहुत लोग हैं, अलग अलग लोगों का नज़रिया है, धीरे धीरे लोग समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। हमारे लोग हैं, समझ अलग अलग डायमेंशन है समझने का। हम लोग बड़ी एकता की तरफ बात करते हैं, हम कोई जाति एकता की बात नहीं करते हैं। मुझसे आपने कभी आज तक किसी एक जाति को लेकर नहीं सुना होगा। हम समग्र एकता की बात करते हैं, दलित एकता की बात करते हैं, बहुजन एकता की बात करते हैं, ठीक है। कोई एक जाति को लेकर कोई चल रहे हैं, उनका अपना, उनकी अपनी समझ है, उनका अपना एजेंडा होगा। चिराग पासवान, रामदास अठावले जैसे, मायावती जैसे लोगों ने इस डिसीजन का विरोध किया है, वो कहा है कि ये जो है षड्यंत्र है आरक्षण खत्म करने का, ये जातियों को बांटने का षड्यंत्र है सुप्रीम कोर्ट का। तो मायावती जी, तो खैर मायावती जी कह रही हैं तो पावरफुल लेडी हैं, हमारे समाज का गौरव है मायावती, चार बार की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती के इस फैसले के हम लोग साथ हैं, मायावती ने ठीक स्टैंड लिया है। और चिराग जी को लेकर भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि तो हमारे बिहार में कहावत है डगरा का बैगन, तो कोई अंबेडकरवादी विचारधारा से तो है नहीं चिराग, वो आरएसएस विचारधारा से डगरा का बैगन है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि पासवान लोग इसके खिलाफ है बिहार में, इसलिए उसको स्टैंड लेना पड़ा कि अगले विधानसभा चुनाव में चिराग का जो सीएम बनने का सपना है, विधायक एक जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल स्टैंड है, उसका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जिससे आपस में मनमुटाव हो रहा है जातियों में, धर्मों में। जैसे कि मणिपुर कांड देख लीजिए, वहाँ जाति और वहाँ दो जाति आपस में भिड़ा दिए हैं हाई कोर्ट ने, कुकी और मैथी, वही लड़ाई अब जो यहाँ हिंदी बेल्ट में होने वाली है ऐसा लग रहा है। इसके अलावा 2 अप्रैल का कांड हो गया था, डिसीजन आ गया था उसमें SHT एक्ट वाले में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, क्या ये भाजपा की जो गोद में खेल रहे हैं इस तरह से ऐसे डिसीजन दे रहे हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड का, मैं विश्व इतिहास का विद्यार्थी हूँ, दुनिया का इतिहास गवाह है। आज तक जो है जितनी भी सरकारें हैं वो न्यायपालिका को प्रभावित करती हैं। राजसत्ता ने हमेशा से न्यायपालिका को प्रभावित किया है, ये भारत में कोई नई घटना नहीं है। ऐसा है तभी तो राम मंदिर पर फैसला देकर कोई जो है राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। इसका मतलब है, ये तो उदाहरण है कि राजसत्ता हमेशा से न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है। हाँ। तो इसमें कुछ नया नहीं। बिहार में जो है आंदोलन होने लग गए शुरू इसके डिसीजन के खिलाफ। बिहार में नहीं, पूरे देश में, ये 21 अगस्त तक पूरे देश में फैल जाएगा। हम लोगों ने खुद कॉल दिया है कि 21 अगस्त को सब लोग जो जहां हैं वहीं अपने तरीके से संविधान के दायरे में रहकर लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान किए बिना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना 21 अगस्त को इस काले कानून का, यह जो नया कानून आया है, इसकी खिलाफत करें, इसका विरोध करें। और एक बात मैं देश के मनुवादियों को चेता देना चाहता हूं, अब ये सब नाटक करना बंद कर दो, क्योंकि अब याचना नहीं रण होगा।